पहला सवाल था विदेश नीति के संबंध में। विदेश नीति को ये सारे एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव इन शब्दों की जरूरत नहीं है। एक्चुअली विदेश नीति देश हित की नीति होती है। इंडिया फर्स्ट, बस उसका सेंटर पॉइंट यही है, इंडिया फर्स्ट। भारत के स्ट्रेटेजिक जो हित है उसकी रक्षा हो, भारत आर्थिक दृष्टि से फले फूले, दुनिया में जहां जगह हो वहां पहुंचे, और तीसरी बात है, आज वक्त बदल चुका है, पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, दुनिया का कोई देश एक खेमे में भी नहीं है और वो खेमे वाला युग भी पूरा हो चुका है। हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है और पांच चीजों में साथ चलता होगा, दो चीजों में सामने चलता होगा, फिर भी साथ साथ रहते होंगे, ये अवस्था है। इसका बारीकी से समझना, उपयोग करना और भारत के हितों की चिंता करना, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम है। और दूसरा एक पहलू जो हमने उपयोग करना चाहिए वो है हमारा डायस्पोरा। दुनिया में बसे हुए भारतीयों की अपनी एक ताकत है, दुनिया में बसे हुए भारतीयों की एक साख है, इज्जत है उनकी, उन सरकारों ने उनके प्रति बड़ा आदर भाव है। ये हमारे शक्ति का भारत के लिए, दुनिया के साथ संबंधों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका वो अदा कर सकते हैं। इन दिनों डायस्पोरा काफी प्रोएक्टिव हुआ है, एसर्टिव भी होने लगा है, मैं समझता हूं ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और बहुत अच्छी तरह दुनिया के अंदर आज भारत एक नई ऊर्जा के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ अपनी जगह बना रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए देशों में भारत आज कई इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें दुनिया हमारा साथ दे रही है। तीसरा सवाल उन्होंने मेरा व्यक्तिगत पूछा, जो विदेश में रहते हैं उनके लिए सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो जेट लैग से परेशान रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने खास पूछा कि आप इतना सफर करके जाते हो और फिर ऑफिस चले जाते हो। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और आज से नहीं पूछते हैं, मुझे कई साल से पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या। सवा सौ करोड़ देशवासी, उनके सपने, उनकी स्थिति, मैं पूरे मन से उसे जुड़ा रहता हूं जी। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं। और कभी लोगों की सोच ये है कि आप में इतनी ऊर्जा है इसलिए आप इतना काम कर पाओगे, ये एरिथमेटिक गलत है। इतनी ऊर्जा है तो इतना काम कर पाओगे ऐसा नहीं है। एक बार आपको पता चल जाए कि इतना काम है, ये मेरा मिशन है, फिर ऊर्जा अपने आप आने लग जाती है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने, हर व्यक्ति को ऊर्जा दी हुई है, कोई उस ऊर्जा को कुंठित होने देता है, कोई उस ऊर्जा को तेजस्वी बनाता चलता है। हम सबके पास, आपसे मेरे पास अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं है,
आपको ईश्वर ने जो दिया है मेरे पास उतना ही है, लेकिन मैं एक मिशन मोड में उसको खपा देने के लिए निकला हूं, तो वो बढ़ती चली जा रही है और काम आती जा रही है। आप भी इसी मंत्र को लेकर के चल सकते हैं।